मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक चेतावनी। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं दिल्ली के मेयर ने कहा है कि जल्द ही दिल्ली के रेजिडेंशियल एरिया से मोबाइल टावर हटा लिए जाएंगे। दरअसल सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बनाई गई कमेटी के अध्ययन से चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मोबाइल फोन से निकलने वाली तरंगों से घातक बीमारियां हो रही हैं। जो लोग मोबाइल टावरों और वायरलेस एंटीना से निकलने वाले तरंगों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। थकान, नींद नहीं आना, एकाग्रता में कमी, कानों की समस्या, याददाश्त कमजोर पड़ना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी और दिल की धड़कनों में बदलाव। 8 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तितलियां, मधुमक्खियां, कीड़े मकोड़े और गौरैया मोबाइल फोन से निकलने वाली घातक तरंगों की वजह से शहरों से गायब ही हो रहे हैं। कमेटी ने अलग अलग एक्सपर्ट के रिसर्च में पाए गए नतीजों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बड़ों के मुकाबले बच्चों को ब्रेन कैंसर या ट्यूमर होने का खतरा भी ज्यादा रहता है। IIT मुंबई में हुए रिसर्च से सामने आया है कि टीनएजर्स में लंबे वक्त से मोबाइल फोन के इस्तेमाल से ब्रेन कैंसर की संभावनाएं 400% बढ़ गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हंसी की महफिल।